तो हम वही है गद्दी की एक अलग महमा है उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि हम फगौड़ा नहीं हम हिंदू से रहे हम तुम्हारे नागपुर फिर आएंगे नमस्कार न्यूज एटीन इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे तो बाबा के दावों की लाइव पड़ताल यहां पर होगी कई तरीके के दावे बाबा बागेश्वर की ओर से होते हैं लेकिन इस वक्त हमारे साथ सुहानी शाह हैं जो कि माइंड रीडर हैं और वो बताएंगे आखिर किस तरीके से बाबा तमाम तरीके के दावे करते हैं पहले तो सुहानी ये बताइए सबसे पहले क्यों आप क्योंकि आप माइंड रीड करती है तो क्या वाकई जो आप देखती है बाबा बागेश्वर जिस तरीके के दावे करते हैं वो क्या माइंड रीड का खेल है क्या क्या कुछ है वो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं जो ये टाइटल देख रही हूँ बाबा बागेश्वर सुहानी शब जस्ट ये ये देखा भाई कोई शबेर नहीं है मैं किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ मैं किसी के खिलाफ नहीं खड़ी हूँ और मुझे ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है मतलब ये टाइटल्स कभी कभी आ, मतलब चैनल्स वाले लगा रहे आई एम नॉट एनीथिंग टू यू बट मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ मेरी लड़ाई कुछ भी नहीं है मैं मुझसे पूछा जा रहा है मेरी कला के बारे में और मैं मेरी कला जो है उसका सच सच बता रही हूँ कि ये कला है और मैं ये करता हूँ अगर आर्ट है तो हमें करके दिखाएंगी क्या जल्दी से जल्दी से <laughs> मतलब जब भी कोई कला मतलब जल्दी ओके जी हाँ ये एक कला है ये एक इंडिया की बहुत प्राचीन कला है जादू जिसे हम बोलते हैं मैं मैं और मेरे पूरे साथी बहुत सारे इंडिया में बहुत अच्छे बेहतरीन जादूगर लोग हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो दावा करते हैं कि हम माइंड रीड करते हैं वैसे जो हमारी मैजिक की कम्युनिटी के लोग हैं वो भी माइंड रीड करते हैं लेकिन उसे वो एक कला कहते हैं जो हम मानते हैं कि ये एक कला है इसके पीछे बहुत टेक्निक विद्या है उसको सीखना पड़ता है स्किल्ड जितने ज्यादा आप होते हो लाइक एनी अदर आर्ट आर्टफॉर्म आप जितने ज्यादा ज्यादा स्किल्ड होते हो उतने आप उस पर बेटर होते जाते हो तो मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है कि वो फ्रॉड है जी वो जो कर रहे हैं वो उनका काम है वो एक धर्म रक्षक है धर्म सेवक है और वो उनका काम कर रहे हैं बस जैसे वो बोलते कि ये चमत्कार है वहां पर जैसे बोलते हैं हमारे कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो हम हम करते हैं और वो एक चमत्कार नहीं है वो एक कला है और ये, साथ और ये बात लोगों को समझानी बहुत जरूरी है और जित न्यूज चैनल जो आप मुझे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो मेरी बात रखने का उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी ठीक है आ, जैसे बाबा सामने वाले को उसके आ, सब कुछ कच्चा चिट्ठा सब बता देते हैं तो आप अगर अभी देख पा रही है मुझे तो क्या समझ रही है इस वक्त हम तीनों में से क्या समझ रही है अच्छा तो आ, जैसे मैंने बोला ये कोई चमत्कार नहीं है चमत्कार होता तो हम ऐसे बहुत जी कुछ जी कर लेते <laughs> लेकिन एक कला है जितना मैं कर कोशिश करूंगी, आम, आप से अगर मैं बात करती हूँ मैं चाहती हूँ ये कोई फ्यूचर नहीं है आप कुछ पास्ट का सोच रहे exactly, yes. ये कुछ yes. पास्ट का सोच रहे okay. पहली बात हम ये मैं बार बार कंफर्म कर रही हूँ पर आई थिंक लोगों को समझ जाना चाहिए कि मैं कोई मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ मैं कोई मतलब ऐसा ये नहीं है कि मैंने आपसे पहले मिलकर आपसे बात कर ली है कि यही आपको बोलना है या आपको मैंने बोल के रखा है कि मेरे लिए एक शो कर दो क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म भी नहीं है आपका है तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना मैंने आपको बोल नहीं, के नहीं रखा है कि यही बोलना है ये करना हम ये शो बनाते हैं चलो मैं ऐसा कुछ भी नहीं भोल है मैं सिर्फ कोशिश करने वाली हूँ आपके माइंड में घुसने की थ्रू यू थ्रू यू एज अ पर्सन जहाँ तक मैं सोचू आप अपने पास्ट के बारे में कुछ सोच रहे हैं पास्ट की कोई मेमोरी आपके दिमाग में आई है एंड

पहले मुझे लगा कि ये कोई ये कोई दोस्त लोग पर ये दोस्त नहीं ये फैमिली है बहुत सारी आपकी फैमिली में hmm. और स्पेसिफिकली अगर आप किसी के आके खोल देंगे जितना मैं समझी अभी आपने स्पेसिफिकली oh, जिनके बारे में सोचा इट्स ओल्डर टू यू नॉट योर मॉम दैट बट योर नॉट दादा मधर नाना नानी बट नेबर्स थे पर आप उनमें से कुछ दो ही लोगों पे स्पेसिफिकली बिकॉज योर नाना नानी कोई कनेक्शन होता है जैसे हम बाबाओं को सुनते हैं हम हर धर्म में उठाते हैं तो हमें पता चलता है अपने धर्म गुरु है वो सीधा धर्म से जोड़ते हैं लेकिन आपने कहा ये कला है तो इसे कला से, से जोड़ा जाता है आपके जरिए ये कला में मानती नहीं की ये हुँ. कला है मैं ये कर रही हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ सच्चाई के साथ एक कला है पता है हमारी एक लिमिटेशन है मेरे और एंटायर मैजिक फटर्निटी का एक लिमिटेशन है वो लिमिटेशन ये है कि हम आपको बता नहीं सकते कि धीरेन्द्र शास्त्री जी या जो भी रिलीजियस गुरु जो इस टाइप का करते हैं जादू वो ये कैसे करते है हम आपको नहीं बता सकते ये हमारी लिमिटेशन है और वो सिर्फ इसीलिए नहीं बता सकते क्योंकि हम हमारी कला की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारी कला ने हमें बनाया आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ आप लोगों के सामने इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं वो इसीलिए हम तो आपके तो आप बारे में क्या सोच रहे हैं मतलब तीनों की सोच आपके बारे में बिल्कुल अलग अलग होगी हो सकता है किसी को पूरी तरह से विश्वास तो फिलहाल क्या बता सकती है इस वक्त मैं आपके बारे में क्या सोच रही सकते

Exactly. आप किस पे विश्वास करते हैं वो सिर्फ ऐसा कोई कोई को, को बता नहीं सकता आप लोगों को कि किस पे विश्वास करना चाहिए और ये अंधविश्वास है कोई नहीं बता सकता कोई तरीका भी नहीं है ये सिर्फ आपके ऊपर लोगों के पर्सनल पर डिपेंड करेगा कि ये मेरा विश्वास है और जितना ज्यादा आप इन्फॉर्म रहेंगे ज्यादा आप अंधविश्वास से बच पाएंगे अच्छा, अभी मैं आपके बारे में कुछ सोच रही हूँ में में अच्छा, exactly really ये, ये अच्छा है That's what your thought is instantly in your mind, और कुछ डिफेंड करते हैं बाबा बागेश्वर वो कहते हैं कि कुछ मंत्र पढ़ते हैं कि ठीक हो जाएंगे आशीर्वाद माना यह जाता है कि ठीक हो जाता है ऐसा एक बार भी किया था जब आपने मटके से किसी को पानी पिलाया था और वो ठीक हो गए थे

तो मैं बाहर गई शो के बाद मुझे लगा उस वक्त सेल्फी का जमाना नहीं था ऑटोग्राफ का जमाना था तो मैं वेट करी कि चलो किसी को फिर तो 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 मैं वो दिखा, मैंने दिखा कि वो चल चलकर गई वो जब बोलने की कोशिश करी वो बोल नहीं पा रहे थे ढंग से आवाज नहीं आ रही थी उनके यहाँ पे चेहरे पे बॉय मतलब उन्होंने मस्किटो रिपेलेंस पी लिया था ऑलरेडी की दो तीन कोशिश कर ली थी मेरे पास आके वो मुझे बोले सुहा बेटा आप में, मतलब मराठी था तो ट्रांसलेटेड टू बहुत कम मुझे भी समझ पड़ा बट इट मेंट कि आप जादू से मुझे ठीक करो यू आर माई लास्ट मतलब मैं आपकी आप मेरी आखिरी उम्मीद हो नहीं तो मैं नासिक के ब्रिज से कूद जाऊंगा तेरह साल की जो मैं लड़की थी जिसमें जितनी मेरे में समझ थी और जितना मुझे आता था मुझे जादू करना आता है मैंने जादू से ऐसे पानी निकाला एक मटका पड़ा था उसमें डाला और उनको दिया और उनको बोला आप इसे पीजिए आपको अच्छा लगेगा उन्होंने पिया इसे, 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 किया। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे बोला मुझे अच्छा लग रहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने और थोड़ा पानी अपियर किया उनको दिया बोला देखो उस समय बच्चे को जितनी समझ होती है और जितना हम डॉक्टर लोग से सुनते हैं मैंने वो बोला दो गुट सुबह पीजिए दो गुट रात को पीजिए आपको अच्छा लगेगा जैसे ही मैंने ये किया मैं वहां से निकली उसके दो महीने बाद मेरे जब औरंगाबाद में शो चल रहे थे मेरे को एक पोस्ट कार्ड आता है जी और वो लिखा होता है उस पोस्ट कार्ड पे मराठी में ट्रांसलेटेड टू कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया आपके पानी ने मुझे बचा दिया आपके जादू की वजह से मैं ठीक हुआ किसी और से ज्यादा मैं सबसे ज्यादा अचंबित थी क्योंकि मैंने उनको रोज के पीने का पानी दिया था लेकिन उनका विश्वास उनका जो विश्वास था मेरे ऊपर और उस पानी के उपर, जो ट्रिक थी वो उस वक्त उनके लिए काम कर किया, मैं, क्योंकि मैं और सबीना भी काफी लंबे से इंतजार भी कर रहे हैं <laughs> और हम चाहते भी <laughs> <इस ट्रिक> को <laughs> और अच्छे से <laughs> समझना चाहते हैं क्योंकि वक्त आपके पास कम है तो एक बार आप वही ट्रिक मेरे साथ अपना सकती है जो उसको आप चमत्कार नहीं कहती है लेकिन यही कहना चाह रही हूँ जिस चीज पे हम हम जिस तरह से बात कर रहे हैं हम इसी तरह उम्मीद करते रहते हैं यार कि कोई मेरा माइंड रीड कर ले कोई मेरा भविष्य बता दे कोई आके मेरी मदद कर दे मैं लोगों को यह बताना चाहती हूँ उम्मीद और मदद बाहर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ये बदलाव लाना जरूरी है जो ताकत है वो आपके खुद के अंदर है हम सूरज पे चांद पे धागे पे किसी के बोलने पे विश्वास करते हैं हम खुद पे विश्वास करना भूल जाते हैं हम खुद को कमजोर बना देते हैं मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आपकी समस्याएं जो भी है आप उसका समाधान दुनिया में जिसके साथ भी आप जाना चाहते हैं सब आपको लगता है आपको समाधान देंगे उनके पास जाइए लेकिन याद रखिए कि आपके विश्वास की ताकत बहुत बड़ी है और किसी और पे विश्वास करके उनको ताकतवर बनाने से अच्छा है आप खुद पे विश्वास करके खुद को ताकतवर सुहानी धन्यवाद सीधे सीधा सवाल है मेरा मेरा कि माइंड रीड करके एक बार दिखाइए आप मैं क्या सोच रही हूँ एंड दिस ओवर योर

मैं टेररिस्ट अटैक कब होने वाला है बता दूंगी आईपीएल में कौन सी टीम जीतने वाली मैं बता दूंगी इलेक्शन में कौन जीतने वाला है मैं बता दूंगी लेकिन ये चमत्कार नहीं है ये एक कला है और इसलिए मैं बोल रही हूँ चमत्कार होता तो सबका सुहानी दूसरा वर्जन देखते हैं हाउ सबीना दिस मैं बस आपसे यही कह रही हूं अगर हम किसी और के बारे में क्या सोच रहे हैं क्या ये भी मुमकिन है जैसे इस वक्त हमने बहुत कुछ सुना बाबा बागेश्वर के बारे में शिवानी की सोच अलग मेरी सोच अलग बहुत जल्द क्योंकि हम जानते हैं आपके पास वक्त कम है तो कुछ अलग सोच रही हूं मैं उनके बारे में इनके बारे में हाँ कुछ मैं एक अलग चीज सोच रही हूँ क्या वो आप बता हैं मतलब है? ये आपका टेस्ट वो आप वो आप बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप आ? अपने exactly. कला में बिल्कुल माहिर हैं तो हम ये टेस्ट नहीं ले रहे हैं अपना विश्वास मेरा मेरा मैं सबसे यही बोलने की कोशिश कर रही करूँ कि मैं चमत्कार नहीं कर रही करूँ अगर अगर अभी मैं ये सारी चीजें बताती हूँ तो आप मेरा ये है कि आप मुझे उस तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पर मैं बोलूँ की ये चमत्कार है और ये चमत्कार नहीं है मैं अगर आप जो सोच रहे हैं इनके बारे में

कि इसको अंधविश्वास में मत डालो नहीं हम अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं के से है ये 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 अंधविश्वास ऐसी दूर, दूर दूर तक कोई तालुक नहीं है जैसा आपने कहा विश्वास के बीच में अंधविश्वास के बीच में एक बहुत छोटी सी लकीर यहाँ पर होती है जिसको सुहानी ने बखूबी यहाँ पर बताया है और ये वर्सेज तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि हर इंसान की अपनी एक कला है उसके अंदर की अपनी एक क्षमता है और सुहानी के अंदर के क्षमता के लिए आगे के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं सुहानी थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू Thank you.